महाराजा ऑफ टेकारी राजा गोपाल शरण सिंह। जब मोटर रेसिंग या फॉर्मूला वन की बात आती है तो आपको शायद नारायण कार्तिकेयन याद होंगे। एक मिनट रुकिए, क्या आपने कभी किसी भारतीय के बारे में सोचा था जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मोटर रेस में भाग ले रहा था? भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले और फॉर्मूला वन हम भारतीयों के लिए नया कूल बन गया था। एक भारतीय राजकुमार यूरोप में मोटर रेस और ग्रैंड प्रिक्स रेस में भाग लेते थे। हाँ, एक भारतीय राजकुमार महाराजा गोपाल शरण नारायण सिंह अच्छा लगता है। गोपाल शरण नारायण सिंह जन्म 1883, टेकारी राज के राजा थे, जिन्हें नाइनन्नों का टेकारी राज भी कहा जाता है। उन्होंने 1904 में कोर्ट ऑफ वार्ड से संपत्ति का प्रभार प्राप्त किया। टेकारी वर्तमान में गया के जिला मुख्यालय से पश्चिम की ओर स्थित एक अनुमंडल है। स्वतंत्रता पूर्व टेकारी राज एक छोटी संपत्ति थी और मिस्टर कॉटन सीनियर कोर्ट ऑफ वार्ड्स की नियुक्ति द्वारा एस्टेट के प्रबंधक थे, जबकि कॉटन जूनियर बोधगया के महंत के वकील थे। गोपाल शरण सिंह ने सेंट जॉर्ज स्कूल मसूरी में अध्ययन किया और निजी ब्रिटिश ट्यूटर्स द्वारा उन्होंने 1904 में कोर्ट ऑफ वार्ड्स से संपत्ति का प्रभार प्राप्त किया। उन्होंने अपने शिक्षक श्री एम कीथ को अपने एस्टेट के पहले प्रबंधक के रूप में भी नियुक्त किया। वह सदी के अंत में फ्रांस और इंग्लैंड में मोटर रेस और यूरोप में कई अन्य शुरुआती ग्रैंड प्री रेस करने वाले पहले भारतीय राजकुमार थे। वह उस समय के एक प्रसिद्ध खेल शिकारी थे और उन्होंने 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के अंत में लेफ्टिनेंट के रूप में सक्रिय सेवा के लिए स्वेच्छा से काम किया। वह फील्ड मार्शल हेग के विशेष प्रेषण अधिकारी थे और कॉर्प्स सिग्नल के साथ सेवा करते हुए फ्रांस में खाइयों में सक्रिय थे। कंपनी युद्ध के दौरान उन्हें कैप्टन के रूप में भी पदोन्नत किया गया था। उन्होंने स्किडर टैंक इंग्लैंड सरकार को दान कर दिया और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। गोपाल शरण सिंह ने 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत चुनाव लड़ा और उन्होंने दरभंगा के महाराजाधिराज सर रामेश्वर सिंह को 2 बार हराया। उन्हें पटना में बिहार राज्य क्षेत्रीय कांग्रेस सम्मेलन में 39 प्रतिनिधियों में से एक के रूप में चुना गया था। 1908 में भागलपुर, 1912 में बांकीपुर, पटना में आयोजित 25 सम्मेलन में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य भी चुना गया। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास की स्वराज पार्टी की स्थापना 37 अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन के दौरान 1922 में गया में उनके आवास व्हाइट हाउस में की गई थी। महाराजा गोपाल शरण नारायण सिंह का जन्म महारानी राधेश्वरी कुएं और अंबिका शरण सिंह के घर हुआ था। पहली शादी महाराजा कुमार गोपाल शरण नारायण सिंह ने 1902 में तमकुही की राजकुमारी से विवाह किया। महारानी नाम अज्ञात तमकुही राज गोरखपुर के राजा इंद्रजीत प्रताप शाही की बहन थी। दुर्भाग्य से 1903 में तपेदिक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी शादी द सेकेंड ऑफ मई 1909 को लखनऊ में उनका विवाह महारानी सीता देवी, जिन्हें एलसी थॉम्पसन के नाम से भी जाना जाता है, से हुआ। उनका जन्म 1883 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उनकी मृत्यु 1967 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। वह जेम्स थॉम्पसन की बेटी थी। उन्हें मई 1913 में 36,000 रुपये प्रति वर्ष की स्थायी वार्षिकी प्राप्त हुई। औरंगाबाद सकेल के 37 गांव महाराजा से। तीसरी शादी 1912 में उन्होंने कुमार रानी सईदा खातून से शादी की। महाराजा गोपाल ने टेकारी राज के औरंगाबाद सकल को कुमार रानी सईदा खातून और उनके बेटों को स्थानांतरित कर दिया, जहां उन्होंने कुमार रानी औरंगाबाद एस्टेट का गठन किया, जिसकी वार्षिक आय 1,200,000 रुपये थी। वह महाराजा गोपाल शरण सिंह को छोड़कर पाकिस्तान चली गईं। उसने पाकिस्तान में एक नागरिक से शादी की और वहीं बस गई, जहां 1972 में पाकिस्तान के कराची में उसकी मृत्यु हो गई। चौथा विवाह 1919 में उन्होंने कुमार छोटे नारायण सिंह की बेटी महारानी विद्यावती कुएं से शादी की। महाराजा के मित्र और सहयोगी उनके एक घनिष्ठ मित्र पंडित देवकी नंदन वाजपेयी अंचल अधिकारी जहानाबाद थे। बाद में वे टेकारी राज के अंचल अधिकारी सह सहायक प्रबंधक बने। श्री जे जी वेकफील्ड 1934 तक प्रबंधक के पद पर थे।
महाराजा ने बोधगया के पास के 11 गांवों को अपने प्रबंधक जेजी वेकफील्ड आए वेतन के एवज में। जेजी वेकफील्ड के बाद श्री विली हैथवे अपने एस्टेट के मैनेजर बन गए। बच्चू नारायण सिंह सिंघौल बेला गया भी अपने एस्टेट के मैनेजर थे। हरिहर नाथ 1912 से 1918 तक अपने राज्य के सहायक प्रबंधक थे। महाराज ने अपनी 2 करोड़ की संपत्ति के बारे में आयकर आयुक्त को एक आवेदन भी लिखा था। उनके कानूनी प्रतिनिधि इलाहाबाद के प्रख्यात वकील सर सुल्तान अहमद पीआर दास हसन इमाम थे। पटना सिद्धेश्वर प्रसाद सिन्हा और राय हरि प्रसाद लाल देवकी नंदन वाजपेयी उनकी संपत्ति के सकल अधिकारी थे। महाराजा गोपाल शरण नारायण सिंह ने 17 फरवरी 1958 को खरखरी जल्लाही कोठी में अंतिम सांस ली। ये वरिष्ठ एसपी गया के आवास के सामने स्थित है। अगर आप चाहते हैं किसी आय के बारे में जानना तो ऋषिकेश भारद्वाज को फॉलो या सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।